Nandini will just come. She's going to be in Mahima. जल्दी फटाफट पटियाला को मॉडल टाउन के पास है उसका ही।
लगता। चल ठीक है, उसको एक बार फोन करके पता कर लेंगे। ये बड़े वाइट में मनुष्य हाँ।
अभी ठीक है, परफेक्ट। सुनो सर, हाँ एक सेकंड सर, इतना लोग होगा ना यहाँ पे। हाँ पेंटिंग पेंटिंग हाँ 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 नसीम भाई, नसीम भाई अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जो बाला साहब के ऊपर फिल्म में, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतना लोग सिर्फ टीजर और ट्रेलर जो कुछ भी अब तक आ रहा है, टीजर तो टीजर ऑफ द ईयर बन गया ना। यस, 24 घंटे में 30 लाख लोगों ने टीजर देख लिया उस वक्त, और वो बढ़ेगा। अभी फिल्म का तो अभी फ्लोर पे चली गई है, और मुझे लगता है पूरे विश्व में उसको पसंद करेंगे। समझ गया, आपको लगता है नवाज के अलावा कोई इंसाफ कर पाता है इसके साथ? नहीं नहीं, मेरे सामने सिर्फ नवाज ही था। जब मैंने सोचा फिल्म बनाना है तो मेरे सामने नवाज के सिवाय और कोई आर्टिस्ट मेरे सामने नहीं था। चलो चलो उधर चलो, मैडम 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 चलो के हट जाओ, फ्रेम ड्रॉप हो गया, देखो हो भी गया। हाँ
महिमा जी थोड़ा आगे आ जाइए, महिमा जी थोड़ा आगे। राउत सर तुम्हें पढ़े ना थोड़ा, हाँ सगे एक राउत सर या महिमा जी थोड़ा, महिमा जी थोड़ा, नंदिनी महिमा जी को ला आइए। संजय जी गुड टू सी यू, बहुत मुश्किल से आप नजर आते हैं और यहाँ आने की खास वजह, खास वजह क्या है? पूरे देश से यहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट ने अपना स्टॉल लगाया है और हम तो सभी लोग जो मुंबई में रहते हैं, देश में रहते हैं, हमारे कलाकारों को साथ अगर हम नहीं देंगे तो किसको देंगे? अभी मैं यहाँ से सबसे पहले किसी को फ़ोन किया होगा तो उद्धव ठाकरे साहब को फ़ोन किया। मैंने उनको कहा कि आप पहले मुंबई में अगर है तो आज या कल यहाँ आकर ये सभी स्टॉल को विजिट करिए और हमारे जो कलाकार है उसने क्या बढ़िया काम किया आप देख लीजिए। मैं बहुत खुश हूँ, अगर मैं ये नहीं देखता तो मुझे लगता मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करता। पाटिल साहब आप क्या कहना चाहेंगे, इतने सारे लोग राजीव कुरिया मौजूद है, सोनू जी मौजूद है, महिमा जी मौजूद है, संजीव साहब मौजूद है, कितनी हौसला अफजाई होती है कलाकारों की आर्टिस्ट को? बस ये तो आर्टिस्ट है और ये खुद आर्टिस्ट है तो वो उनको मिलने आ गए और देन यू नो अदर आर्टिस्ट फील इंस्पायर्ड विद देवन सो मेनी पीपल इन बिग नंबर कम्स। तो आर्ट फेस्टिवल तो काफ़ी साल से हो रहा है बम्बई में और हर साल गेस्ट आते हैं और दिस ईयर वी ट्राई टू इनवाइट सम आर्टिस्ट पीपल हु विल इंस्पायर द विजुअल आर्ट विच इज विजुअल पोएट्री। या थैंक यू। ओके ही इज टॉकिंग अबाउट विजुअल पोएट्री, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अरे जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं मुझे ड्राइंग का बहुत शौक था, फिर इन द कोर्स ऑफ ग्रोइंग अप आई लॉस्ट टच विद पेंटिंग एंड ड्राइंग और मेरा ध्यान पूरा म्यूज़िक में इंस्ट्रूमेंट बजाने में इसमें चला गया। फिर भी मेरे दिल से एक थोड़ा सा कनेक्शन है और मैं इसे उसे रिकनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे पता है कि भारत के सबसे बड़े बड़े आर्टिस्ट कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं पेंटिंग के साथ इतना डिस्प्ले कर रहे हैं और मुझे इतना नॉलेज है नहीं इस बारे में, तो शायद यहाँ आकर मुझे कुछ नॉलेज मिल जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट एंड मुझे खुशी है कि मैं इन सभी लोगों के प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर आप सभी के साथ में मौजूद हूँ। अरे वो तो आर्टिस्ट फैमिली है पूरी, उनका पूरा जो फैमिली है खानदान है वो मशहूर हैं, वो लोग आर्ट के तो सबसे बड़े पेट्रंस हैं वो और ख़ुद बड़े कलाकार हैं। अगर वो पॉलिटिशियंस ना होते तो शायद यहाँ पर उनकी गैलरी होती और वो भी एक ऐतिहासिक गैलरी होती जिसमें कई जनरेशन्स के पेंटिंग्स वहाँ पे लगे होते। तो ये पहली जनरेशन के कलाकार नहीं हैं, वो कई जनरेशन के कलाकार हैं, इसलिए उनका यहाँ पर आना बहुत ही उचित है। अरे ये कोई पॉइंट ही जगह यहाँ पर तो बात कीजिए मत, बिल्कुल मेरे को आपसे खतरा है नहीं ऐसे कुछ नहीं है, अभी तो हम उनके साथ हैं ना, अभी तो हमारे साथ है, अभी कोई खतरा नहीं है। कितना अच्छा लगता है किसी आर्टिस्ट के कला को देखने के बाद? देखिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो खाने का है और हम कहते हैं कि हम पहले आँखों से खाते हैं, तो विजुअल आर्ट्स की जब बात होते हैं तो खाने में जो फर्स्ट सेंस इन्वॉल्व होती है वो सेंस ऑफ साइट होती है, तो इसलिए बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। सो ये जितनी सारी चीज़ें हैं आई कैन सी दिस आर्ट ऑन प्लेट, मतलब हम वो करते हैं इंस्पिरेशन के लिए यहाँ पर आया हूँ, ये कह सकता हूँ कि इन लोगों से सीखने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ऐसी चीज़ों से सीखते आए हमेशा सीखते रहेंगे। What's yeah, these people have done, huh? Okay, what's your take on this entire festival? What's I think it's fantastic. It's very good for the artists because they are always looking for a very bright platform. You just want to have a lot of audience watch it, get to know this is how they get popular. We as an audience want to see some great artists. I saw even MF Hussain there, which is part of this, and everyone knows. I'm an art lover. I come from a home where people are painting and my Masi is a painter, so I have a lot of collection. In fact, when you go to my home looks something like this. It looks like an art gallery and people make fun of it, but I love it. And I've already liked so many of the paintings here. No. When you're an artist, you can't choose. It's just, it could be something. There are people, international artists also here.
So there's a painting from Bulgaria, and there's a Myanmar painting. So I like the Myanmar paintings a lot. It's about these little kids without clothes dancing in the pool, puddle water. So I love that. इनकी हाँ सुना आपने अब चाहते हैं कि यहाँ पर हम ये बात करें अवश्य करेंगे नहीं नहीं मैं खुद बहुत ही उत्सुक हूँ इनकी फिल्म को देखने के लिए एक तो उन्होंने जो एक्टर चुने हैं वो बहुत ही कमाल के इंडिया के वन पीस हैं ऊपर से फैमिली की तरफ से जो फिल्म बनती है तो जो जो उसमें एक वैलिडिटी होती है वैलिडेशन करेक्ट होती है कि जो सब उसके साक्षी हैं क्या कहा जा रहा है क्या माना जा रहा है इसमें कोई सेना नहीं खड़ी हो जाएगी बोलने के लिए कि ये रॉन्ग है ये सही है क्योंकि ये सेना से ही फिल्म बन रही है इसलिए बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके आई लव पेंटिंग्स बचपन से पेंटिंग करती थी और मैं ये समझती हूँ कि जितने क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं दे ऑल आर पेंटर्स हाँ बात ये है कि मैं म्यूजिकल नोटों से सुरों की पेंटिंग करती रहती हूँ और बहुत अच्छा लगा अभी जैसे मधु जी ने कहा कि इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक आर्ट पेंटिंग खाना यू नो सब स्वाद होते हैं अलग अलग कलर्स होते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ आके एक तो इंडिया के इतने आर्टिस्ट हैं एंड टू गेट टू एक्सपीरियंस के इतने आर्ट अलग अलग टाइप के आर्ट में क्या क्या फ्लेवर्स है और वो मैं हो सके कुछ सीख के अपने म्यूज़िक में भी डाल दूँ तो इट माइट बी ग्रेट एंड आई एम हैप्पी टू सपोर्ट देम कि उनको भी लगा कि अच्छे आर्टिस्ट सब आके हमारे पेंटिंग्स देखे See, actually, I saw one painting out here which has branches which are melting down into the infinity. So, जब भी हम किसी चीज़ को अनंत में समा देते हैं विलीन कर देते हैं that shows that how the painter is related to something which is to the horizon and thinks louder than what realistic world is. And that's where the abstract and creative world starts. So, I really love that painting. ये मेरा भाई मैंने वो लिखी एक सुन रहा था प्राइम ने उसको